ও আমার চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখীর মুখটা দেখে আমি ভালোবাসি, চন্দ্রমুখী মুখটা দেখে আমি ভালোবাসি, ও আমার চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী, ও আমার চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী, ও আমার চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী। আরে বাহ দেবা, মেরে বেঙ্গলি বাবু, তুমি তো বহুত সুন্দর গাতে হো। ও কি হয় না, তোমারে প্যার নে মুঝে গায়ক ভি বনা দিয়া। আচ্ছা, ऐसी इतनी मुश्किलों के बाद माँ ने मुझे अपना ही लिया, मुझे बंगाली ना होने के बाद भी। और इन 6 महीनों में तुम्हें कितना लड़ना पड़ा है ना हमारे लिए। अब हो गया ना, तो इमोशनल क्यों हो रही हो? और वैसे भी वो माँ है मेरी, मुझे उन्हें मनाना आता है। तो ये टैलेंट तो तुम्हें मुझे भी सिखाना पड़ेगा, तो ना? पक्का। अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचें या बीती बातों को याद करना है? वैसे माँ को खुश करना है ना, तो एक आइडिया है मेरे पास। क्या? एक नन्ना मुन्ना सा तोहफा हम कोलकाता ले जाते हैं, क्यों? ले जाए। अच्छा बच्चू, तुम भी ना। बाबू, हमें अब वापस चलना चाहिए। अरे क्यों दादा, हम अभी तो आए हैं। हाँ। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। मेम बाबा, रात में यहाँ घूमना ठीक नहीं है, खतरा है। खतरा? मेम बाबा, बात समझिए, हमारे गांव में सभी जानते हैं किस नदी में माल का वास है। लड़कियों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। एक अविवाहित लड़की को उसके परिवार वालों ने बक्से में बंद करके यहाँ धकेल दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ देखी जाती है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं आता। अरे क्या दादा, हम बच्चे थोड़ी हैं, ये प्रेत प्रेत की बातें आप हमें मत बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना मेरा काम था, बाकी आप समझदार हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम नाव वापस ले लो। अरे पर हमारा हनीमून इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, मैंने एंजॉय भी नहीं किया अभी तो। अरे बाबा, हनीमून तो अब चलता ही रहेगा ना। चलिए आप चलिए। चलो संभाल के। हाँ अरे अब चलो, यही रुकने का प्लान है क्या? देवा मेरी फोटोज खींचिए ना। अच्छा ठीक है, रेडी? या अब यहाँ पर। ओहो बस। अच्छा देवा, मैं यहाँ पर जाऊँ? अरे एक 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 प्लीज, लेकिन संभाल के। हाँ पानी में हाथ डालूं? एक और, एक एक जल्दी करो। ऐसे ऐसे
पागल हो क्या? मजाक कर रही थी। अच्छा बाबू आमी आज ची। ठीक है दादा। घर पे हो? जाओ। ठीक है बेटा। लो, दबा लो। लो। खा। दबा खाओ। जो हुआ उसके बाद बहुत डर गई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखो बाबा, ऐसे टेंशन में आने से कुछ नहीं होगा ना, उसे थोड़ा टाइम दो। तुम मेरे साथ बाहर चलो। आज क्या हुआ? वो अभी यहीं पर थी, वो यहाँ पर थी, अभी मैंने देखा, वो यहीं पर आई थी, वो मुझे मार डालेगी। मेरी वहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो अभी यहीं थी, अभी मैंने देखा उसे, वो यहीं पर। मेरी वहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो सच में, मैंने उसे देखा, अभी देखा। मेरी यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं देखा, वो आई थी, मैं बता रही हूँ ना, वो यहीं पर आई थी। तुम अपने साथ साथ हम सबको भी पागल कर दोगी। कोई नहीं है यहाँ पे। कल तुम मेरे साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही हो। तुम्हें इसे डर के जीने नहीं दे सकता। मेरी नहीं जी सकती तुम इसे। अनेरी, जो तुम महसूस कर रही हो
पानी से डर, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ताजपुर में हुए हादसे से पहले तुम्हें ये डर नहीं लगता था ना? पानी से डर नहीं लगता। तो फिर किससे डर लगता है? माल। माल? उस पानी में एक औरत थी, एक प्रेत, और वो मुझे मारना चाहती है। वो यहाँ कोलकाता में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये प्रेत, ये माल, क्या ये अभी हमारे साथ है? नहीं। Exactly. क्योंकि प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। नहीं, प्लीज। अनेरी, पकड़ो इसे। नहीं, डरो मत। बोलो, वो औरत दिखाई दी तुम्हें इसमें? देखा, इसमें डरने का कुछ नहीं है। हमारे डर हमारे दिमाग में हावी हो जाते हैं। तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख के देता हूं। अनेरी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही। What can we do? ये डर कैसे जाएगा उसका? देखिए देवाशीष बाबू, मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा हालत खराब है उसकी। मैंने कुछ एंटीसाइकोटिक्स लिख के दिए, ये लीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस डर से, इस फोबिया की वजह से वो अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचाए। हमें एटलीस्ट कुछ समय के लिए अनेरी को मेंटल असाइलम में भर्ती कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, मैं अनेरी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा अनेरी की निगरानी रखनी होगी। जी डॉक्टर, मैं जरूर रखूंगा। अनेरी, सब ठीक हो जाएगा। चलो आइए मां। देवा? हाँ। वो लड़की कौन है? कहाँ भाई? वहां एक लड़की खड़ी थी तालाब के पास। वहां तो कोई भी नहीं है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। देखो कौन है यहाँ। देवा वो यही खड़ी थी। तुम भी ना? चलो
देबू बाबा चिंता करो ना, कल से ना मैं अनेरी को अपने साथ में घर के कामकाज में लगा लूंगी। नई नई बहू है, इसके लिए थोड़ा डरी हुई है। मेरे साथ काम करेगी तो उसका मन बहला रहेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी आप ठीक कह रही हैं। हाँ देवू, वो कल अनेरी के बाबा के घर जाना है, उसका बार बार फोन आ रहा है, अनेरी को भी जाना चाहिए। तुम उससे एक बार बात कर लोगे? खाना खाओ, दवाई भी खानी है ना बाबा। अनेरी मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम डर से लड़ेंगे नहीं तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी ना। कोशिश तो करो, और वैसे भी कल तुम्हारी बहन की शादी है, हमें जाना है ना। लो अनेरी, और इस्त्री वाले को बोलना कल सारे कपड़े टाइम पे ले आए, ठीक है? ये तो आज बिल्कुल ठीक लग रही है, शायद खुद से ही ठीक होने लगी है। मैं चलूं? हाँ चलो, और मैंने जो जो बोला उसे ढंग से समझा देना, कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, नाश्ता लगाइए ना, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अनेरी। हाँ माँ। बेटा जरा वॉशिंग मशीन बंद कर दे। नहीं होगा, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं मैं कुछ नहीं होगा, मुझे मारना चाहती है देवा, मुझे मारना नहीं, क्यों
जाने बता आई करूं बाबा, हमें किछु ही बुझते पाछी ना कि तेरी मदद कैसे करूं मैं। महोसिन, साइकियाट्रिस्ट कह रहा था कि अनेरी की मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कुछ दिन के लिए मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। अंकल खानी? हाँ माँ। पर बाबा कैसे? हाँ मैं भी नहीं चाहता, लेकिन उससे वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। पर देवान लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, बोल तो क्या करूँ माँ, उसे ऐसे मरने तो नहीं दे सकता ना। मैं प्यार करता हूँ उससे और उसे ठीक होते देखना चाहता हूँ माँ। और कोई रास्ता नहीं है? एक बार सोच लो। और कोई रास्ता नहीं है माँ, मैं कल डॉक्टर से मिल रहा हूँ और मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में वो सारी फैसिलिटीज हैं। अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा उसे वहां पे और हो सकता है माँ कि समय के साथ साथ उसका उसका डर भी खत्म हो जाए। कौन हो तुम? डरो मत, डरो मत, मेरे पास आओ अनेरी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना, नहीं। अनेरी, अनेरी, अनेरी उठो, अनेरी उठो, अनेरी उठो, माँ, अनेरी, 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 अनेरी उठो, अनेरी, क्या हुआ, हाँ, क्या हुआ, अनेरी, अनेरी क्या हुआ, हाँ, तुम ठीक तो हो ना अनेरी, अनेरी कुछ तो बोलो, अनेरी, अनेरी क्या हुआ, हाँ साइलम में जाके डॉक्टर से मिला। अनेरी को जितनी जल्दी भर्ती कराएंगे उतना ज्यादा अच्छा। जैसा तुम ठीक समझो बेटा। जी। किचन में हो, कुछ चाहिए तो आवाज लगा दीजिएगा। Ah, 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 ah
डॉक्टर साहब क्या? देखिए इनका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा है, हमें इनके सारे टेस्ट तुरंत करवाने होंगे। देखिए इनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन जब तक कि टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देख लेता मैं, ये भी नहीं बता सकता कि इनको हुआ क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इसके सारे टेस्ट आज ही करवा लेंगे। बेहतर होगा, अभी मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। ठीक है मैं चलता हूँ। बेटो क्या हुआ, कुछ कहना चाहती है? जी माँ जी। तो बोलना। माँ जी आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोल देती हूँ, आप इनकी नजर उतार दीजिए। नजर? जी माँ जी, पता नहीं भाभी को किसकी नजर लग गई है। माँ जी हमने ऐसे होते हुए अपने गांव में बहुत देखा है, जब दवाई काम नहीं करता है तो हमें ना ईश्वर और उनके पुजारियों की मदद लेनी पड़ती है। आप इनकी नजर उतरवा दीजिए। बिट्टू ये सब मुझे नहीं पता, मैं कैसे करूंगी? मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं उन्हें लेकर आ सकती हूँ। बाबा? ठीक है बिट्टू जा। जी माँ जी। बाबा चलो। बाहर के तालाब से एक बर्तन में पानी लेकर आओ। बाबा तालाब का पानी लीजिए।
समस्या सचमुच गंभीर है। एक प्रेतात्मा ने इस लड़की के साथ इस घर में प्रवेश कर लिया है। वो इसको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। बाबा कुछ भी करिए, कोई उपाय करिए बाबा, अंधेरी को बचा लीजिए बाबा। ये बच्ची अपनी जान खुद बचा सकती है, हम नहीं। ऐसी प्रेतात्मा से हम पहले भी मिल चुके हैं। हम उन्हें माल कहकर पुकारते हैं। ये प्रेत अनेरी की तरह ही एक लड़की थी जो अविवाहित रह गई थी और उसके परिवार ने उसको पानी में डुबोकर मार दिया। जब कोई अतिरिक्त आत्मा असमय मरती है तब होता है एक प्रेत का जन्म। वो किसी ऐसे को अपना शिकार बनाता है जिसके पास वो सब खुशियां हो जो उस प्रेत आत्मा को जीवन में नहीं मिली। अनेरी के साथ यही सब हुआ है और अगर यही सब चलता रहा ना तो तुम्हारे पुत्र के जीवन पर भी संकट आ सकता है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, शुद्धिकरण करना होगा। समय बहुत कम है हमारे पास, हमें आज रात को ही ये क्रिया करनी होगी। घबराओ मत बेटा, ये प्रेत पिशाच हम पर तभी हावी होते हैं जब हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगर हम एक बार इनके सामने झुक जाएं तो ये हमें अंदर तक खोखला कर देते। तुम्हें लड़ना होगा बेटा, तुम ये कर सकती हो, आगे बढ़ो। अनेरी तुम्हें लड़ना होगा, अनेरी तभी तुम इससे मुक्त हो सकती हो। आपको लड़ना होगा भाभी, आप कर सकती है भाभी। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ माँ, मैं लड़ूंगी। डरो मत अनेरी, दिखा दो उसे कि तुम उससे नहीं डरती। क्या हो रहा है? माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और ये कौन है? हाँ? देवा, अनेरी। अनेरी? क्या हुआ अनेरी को? माँ? क्या हुआ अनेरी को? अनेरी तालाब में, बाबा, बाबा मदद कर रहे हैं। कौन है ये? हाँ? ये क्या बकवास है? मेरी अनेरी कहाँ है? कहाँ है मेरी अनेरी? मेरी अनेरी कहाँ है? अनर्थ, घोर अनर्थ, मूर्ख पसा भी है, तूने क्या किया? तुम हटो यहां से। अनेरी, 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 माँ, माँ। तुम ठीक हो? हाँ? पानी में सारी क्रिया अधूरी रह गई,
अब वो प्रेत और ज्यादा उत्तेजित हो गई है। जिस तरह मुझे मारा है उस तरह तू भी मरेगी। लोगों ने मुझे खुश नहीं रहने दिया, मैं किसी लड़की को खुश नहीं रहने दूंगी। बचाओ मुझे, बचाओ। अनेरी, आगे आगे बढ़ो, तुम इसका विनाश कर सकती हो। आगे बढ़ो अनेरी, आगे बढ़ो। नहीं डरती मैं तुझसे, मैं तुझे अपनी खुशियां नहीं छीनने दूंगी। अनेरी, माँ, अनेरी का बाबा, बाबा अनेरी को बचाइए ना प्लीज। करेगी अनेरी, करेगी। चिंता मत कर, सब ठीक हो। बाबा मैं नहीं डरी, माँ नहीं डरी, मैंने मार डाला उसे, सब खत्म हो गया। अब वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो मैं किसी बात का खतरा नहीं है बेटी, वो खत्म हो चुकी है।